आपकी पति आपकी जुबान बोले। आप पूरब ले जाए तो वो पूरब जाए, पश्चिम ले जाए तो पश्चिम जाए, चाहती है ना आप। वैसे भी महिलाओं की एक ख्वाहिश होती है कि मैं जो चाहूँ वो हो। अधिकतर महिलाएं ये चाहती है कि मेरे कहे अनुसार मेरा घर चले, मेरा परिवार चले, मेरा पति चले। ठीक है, जायज है, आप गृहिणी हैं, आप स्वामिनी हैं इस घर की, आपने ही तो मकान को घर बनाया है, आपने ही तो किसी पुरुष के सूने पड़े जीवन को संसार बनाया है। तुम ही तो हो जो घर में बच्चों की चहल पहल का कारण हो, तुमसे तो ही पति जल्दी घर आने के बहाने ढूंढता है। तुम ही हो जो सास ससुर के जुबान पर दिन से रात तक छाई रहती हो, तुम रसोई की जान हो, तुम बेडरूम की शान हो, तुम घर को चमकाती हो, पूजा रूम में तुम ही तो प्रथम दिया जलाती हो। फिर क्यों ना चाहो तुम कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार हो, जायज हो तुम। परंतु मेरी बहनों, नाजायज कभी मत चाहना। जरूरी नहीं है कि तुम जब गलत भी चाहो तो घर वाले उस गलत में भी तुम्हारा साथ दे, परंतु ज्यादा करके महिलाएं यदि अपने मुट्ठी में अपने परिवार को, अपने पति को, अपने गृहस्थ जीवन को रखना चाहती है तो कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जब औरतों के कब्जे से घर निकल जाता है ना, तो बाहर वाले संचालित करने लगते हैं ऐसे घर को। तुम चाहती हो तुम्हारा पति वही दिशा में देखे जिस दिशा में तुम चाहती हो, ताकि तुम दोनों एक ही दिशा में देखो। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। समस्या तब हो जाती है जब पति विपरीत दिशा में देखने लगता है। तुम कहती कुछ हो और वो करता कुछ है, फिर बहस होती है, थोड़े थोड़े से झगड़े प्रारंभ हो जाते हैं, शुरू हो जाती है लड़ाइयां, और ये लड़ाइयां बढ़ते चली जाती है, और फिर इसका अंत क्या होता है, कभी रिश्ता खंडित होता है और कभी खंडित होने की कगार पर पहुंच जाता है। कभी तुम यहां वहां अपने पति की शिकायत करती फिरती हो, कभी तुम्हें ऐसा लगता है सौतन ने दस्तक दिया है, तुम किसी और औरत के चक्कर में हो, तभी तो मेरी बात नहीं मानते हो। तुम्हारी इस बात से वो भी भड़क जाता है। कोई औरत हो उसके जीवन में तब भी उसे गुस्सा आता है, और ना हो तो गुस्सा स्वाभाविक है। क्या करें, इन्हीं सब बातों में अपने गृहस्थ जीवन के कीमती समय को निकलने दें या जीवन में एक कदम और आगे बढ़े। चलिए, आज दस्तक देती है यदि सौतन की आहट आपके जीवन में, तो बात करती हूँ इस पर मासिक धर्म में महिलाएं कर ले एक छोटा सा कार्य। पीरियड्स के 5 दिन आपके जीवन के वो अनमोल दिन जिसे आप बैड डे कहती हैं, जिसे आप कोई अशुद्ध दिन कहता है, कोई कहता है ये दिन बेकार है, अब तो तुम किसी काम के नहीं हो 5 दिन, मैं कहती हूँ वो शक्ति को अर्जित करने वाले दिन है। वही वो दिन होते हैं जब तुम किसी चीज़ को छू लो तो वो 1 से 2 हो जाता है। सबसे पवित्र दिन होते हैं। पूजा पाठ से दूर रहना, परंतु पूजा पाठ के अलावा भी संसार में ऐसे कई कार्य हैं जो महिलाओं को करने हैं, तो इन 5 दिनों की शक्ति को आओ इस्तेमाल करते हैं। मासिक धर्म में यदि महिलाएं एक छोटा सा कार्य कर लेती है तो उसके जीवन में जो तीसरा व्यक्ति दस्तक दे रहा है, अब चलिए बात सौतन से हटाते हैं, सौतन है तब तो साक्षात तीसरी कोई आ गई है आपके जीवन में जिसे आसानी से आप हटा दोगे, आसानी से। परंतु यदि आपके दाम्पत्य जीवन को भंग करने के लिए केवल सौतन ही नहीं कोई अन्य व्यक्ति भी सहायक है, चलिए सास का नाम लेती हूँ, इसलिए नहीं कि सास ऐसा कोई रिश्ता होता, सास तो माँ होती है, परंतु मुझे अनगिनत कमेंट्स आ रहे हैं कि सास ही है जो मेरा घर बसने नहीं दे रही है, मेरे पति के साथ मुझे जुड़ने नहीं दे रही है, मैं और वो जब भी किसी बात को साझा करते हैं तो सास बीच में आ जाती है। तो चलो सास को इस बीच के रास्ते से हटाते हैं। सास स्वस्थ रहेगी, सुरक्षित रहेंगी, अपनी दुनिया में बहुत मस्त रहेंगी, परंतु आप दोनों के बीच दखल नहीं देंगे। यदि कोई खूबसूरत सी कन्या ने दस्तक दे दिया है आपके और आपके पति के बीच, आप और आपके बच्चे भी अब नहीं भाते हैं आपके पति को, तो चलो उस सौतन को भी रास्ते से हटाते हैं। वो मुड़ जाएगी, दिशाहीन हो जाएगी, अपने जीवन में आगे बढ़ जाएगी, या अपने पति का हाथ थाम लेगी, और या कुंवारी हो तो विवाह करके चली जाएगी, परंतु तुम्हारे पति के जीवन से वो दूर हो जाएगी। पीरियड्स के ये 5 दिन बहुत खास होते हैं। आज एक छोटा सा प्रयोग बताने जा रही हूँ, छोटा सा उपाय बताने जा रही हूँ, और तुम्हारा दाम्पत्य जीवन फिर से तुम्हें मिलेगा सुखमय। अपने पति के साथ तुम बहुत आराम से रहोगी, कोई नहीं आएगा तुम दोनों के इस पवित्र रिश्ते के बीच में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञान में।
कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों। मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और तुम कुछ ना कहो तो तुम्हारी चुप्पी भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है, ऊपर वाले की प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ आपके लिए, जो प्रयत्न कर रही हूँ तुम्हारे लिए, वह पहुंचे सीधे तुम तक। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार ये वीडियो आपके सामने आ रहा है, या मैं पहली बार आ रही हूँ, तो जुड़िए हमारे चैनल से, भाग्य बदल जाएगा, किस्मत बदल जाएगी। मासिक धर्म का जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिन होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो तुम्हें करना है जब भी प्रयोग, तो इन तीनों दिनों में से कोई भी एक दिन कर सकती हो। सबसे ज्यादा साझा किया जाता है, सबसे ज्यादा मजबूत दिन दूसरे दिन को माना जाता है। यह कंडीशन बता रही हूँ, जब तुम दोनों के बीच कोई तीसरा आ जाए तब, अर्थात सौतन की दस्तक हो तब करें, और केवल महिला ही करे, पुरुष के लिए यह प्रयोग नहीं है। थोड़ा सा अरवा चावल ले दें, थोड़ा सा अरवा चावल, बिल्कुल थोड़ा सा। अब दिन तो देखना नहीं है कि गुरुवार को करना है या शुक्रवार को, जब तुम्हारे पीरियड्स चल रहे हो उसके सेकेंड दिन, चाहे कोई भी दिन हो, सोमवार हो या शनिवार हो, कोई भी दिन हो। जैसे तुम कोई दिन नहीं देखती, प्यार से इस दुनिया को हर दिन जोड़ती हो, बसाती हो, वैसे ही तुम्हें यदि किसी सौतन को हटाना है अपने सुखमय जीवन से, तो तुम्हें दिन नहीं देखना, पीरियड्स के दूसरे दिन का चुनाव करना। थोड़ा सा अरवा चावल एक लाल कपड़े में बांध कर एक पोटली बना देना, चाहे कपड़े को ही बांध लेना, नहीं तो लाल धागे से बांध के छोटी सी पोटली बनाना। इतने कम चावल हो कि 21 दाने से लेकर 41 दाने तक के चावल ही हो इसमें, 20, 25, 30, 35 चावल के दाने को छोटा सा लाल कपड़ा हो, उसे बांध कर पुड़िया बना लेना। एक बात ध्यान रखो, यदि ये दिन शुक्रवार का हो तो अति उत्तम, ना हो तो कोई बात नहीं। अभी ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना है, पीरियड वाले स्थान पर यानी जो पैड होता है उसके ऊपर तुम इसे रख देना, और कम से कम 10 से 11 मिनट तक इसे पीरियड्स आने देना इसी पर। समझ गई मेरी बात को, आने देना इसी पर। उसके बाद ये हथियार तुम्हारा तैयार हो गया है सौतन को भगाने के लिए। बाद में इस कपड़े को खोलकर इस चावल को निकाल लेना, तुम्हें सौतन के घर पर या घर के आसपास, या सौतन जहाँ काम करती हो या उस स्थान के आसपास, तुम्हें ये चावल छीट कराना, ताकि एक ना एक बार इस चावल पर उसके कदम अवश्य पड़े। इस एक दाने पर भी यदि उसके कदम पड़ जाते हैं, उसी दिन उसके कदम तुम्हारे और तुम्हारे पति के जीवन से दूर हो जाएंगे। अद्भुत है, प्राचीन है, चमत्कारिक है ये प्रयोग। एक दिन में असर दिखाता है। यदि तुमने ये किया और सौतन के पैर पड़ गए इस चावल पर उसी दिन, तो तुम उसी दिन से अपने पति की जुबान बदली सी नजर आएगी, क्योंकि उसने जो ठुकरा दिया है, चमत्कार। चमत्कार नहीं देखा तो ये करके देख लेना मेरी बहनों, चमत्कार होगा तुम्हारे जीवन में। तो क्या महसूस किया तुमने इसे करके, क्या अनुभव तुम्हें जीवन में मिला इस उपाय को करके, मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ईश्वर करे, भगवान शिव और माता पार्वती की तरह दोनों साथ रहो, हमेशा सुखमय रहो, संसार बसा रहे तुम दोनों का। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल, बहुत बहुत धन्यवाद।